खबर मध्य प्रदेश से है, सतना जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील रामपुर अब बाघेलान की, जहां सीनियर अनुसूचित बालक छात्रावास छिबोरा में छात्रावास के छात्रों से शौचालय सहित पूरे छात्रावास की साफ सफाई छात्रों से करवाई जाती है। कुंभकार के द्वारा छात्रों को डरा धमकार चौकीदार के खिलाफ उल्टी शिकायत पत्र लिखवाया गया है। आखिरकार जब सरकार छात्रावासों में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो सरकारी बजट आता है, तो फिर अधीक्षक द्वारा सफाई कर्मी क्यों नहीं रखा गया? छात्रों को तो ये भी कहना है कि कभी कोई सफाई कर्मी नहीं रखा गया। जो भी सफाई कर्मी का पैसा आता है वह अधीक्षक द्वारा आहरण कर लिया जाता है। छात्रावास के अधीक्षक किसी की सह पर पूरी दबंगई से घिनौना खेल खेल रहे हैं। उन छात्रों के हाथ में झाड़ू और सफाई सामग्री पकड़ा दी गई है। एक तरफ शिवराज सरकार गरीबों के छात्रावास बनवा जाती है और उन्हें शिक्षा देने का तन भरती है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अगर छात्रों की मानी जाए तो अगर चौकीदार को स्कूल से हटाया गया तो हम छात्र भी यहाँ नहीं रहेंगे। आप लोगों को यही पानी में समस्या थी तो अब नहीं है, और यही खाना पीने की पहले थी अब नहीं है। क्या परेशानी पड़ रही थी आप लोगों? क्यों बाहर निकाल दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया था लोगों को सर, जो बोले थे मतलब कि भैया जी बारे में लिखो, दबाव डाल के लिखवा रहे थे। किसके बारे में लिखवा रहे थे? मुकेश कुमार दहायर। ये कौन है यहाँ के? ये हमारे यहाँ के चौकीदार हैं यहाँ हॉस्टल के। और यम महेश कुंभकार सर ने बोले कि तुम लोग लिखो कि दारू पी कर आता है, मतलब पूरा यहाँ बहुत लोग को अंदर हॉस्टल में लाता है, रात को खाना बनाकर यहीं पे सोता है। तो हम लोगों ने बोला नहीं लिखेंगे, इसलिए ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। फिर क्या किया उन लोग? उन लोग ने ज़बरदस्ती एक लड़के धीरज प्रजापति, उनसे लिखवा लिया। वो मतलब अभी न्यू स्टूडेंट है। तो आपने लिख रहे थे, क्या कर रहे थे? धमकी मिले थे आप लोगों को? जी, कि आप मतलब बोले कि तुम लिखोगे तो लिखोगे। क्या कारण था इस विषय में? ऐसे ही मतलब बोर खराब हो गई थी ना, तो भैया जी मतलब बहुत दिन तक हम लोग दूर से पानी लाते थे, एक किलोमीटर दूर से खाना बनाने के लिए। अच्छा। तो भैया जी ने एक दिन लगाया फोन, तो सर ने थोड़ी सी बात की फिर फोन काट दिया कि मैं आ रहा हूँ, ये कुछ तक नहीं बोला। फिर भैया जी ने फिर से लगाया फोन तो फिर काट दिया भाई सर ने। और फिर खाना क्या मिलता है आप लोग को यहाँ? खाने को दाल चावल सब्जी रोटी। कैसा मिलता है? बढ़िया। हाँ, अभी मतलब 10-15 दिन से बढ़िया मिलता है, बाकी पूरा खराब मिल रहा था। पहले कैसे मिल रहा था? पूरा एकदम खराब, कीड़े मतलब सूंड़े कीड़े सब थे। अब कितने दिन से मिल रहा था पहले? पहले बहुत, जब से मतलब हॉस्टल खुली तब से मिल रहा था। ऐसे सफाई कौन करता है यहाँ? सफाई अब यहाँ के कर्मचारी नए आ गए हैं। पहले कौन करता था? पहले हम ही लोग करते, सब लेटिंग ये पूरा हॉस्टल साफ हम ही लोग करते थे। क्या नाम है आपका? रोहित प्रजापति। कहाँ से हैं आप? गाजन। यहाँ परेशानी है कि वो मुकेश भैया जो हैं तो मतलब कि वो सर बोले अधीक्षक सर कि यहाँ दारू पी के हल्ला करते हैं, यहाँ मतलब स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, सब गलत बात है। हम लोगों से उस दिन जबरदस्ती लिखवाया गया। मुकेश कौन है ये? मुकेश भैया ये मतलब हॉस्टल के चौकीदार, खाना बनाने वाले। जी, तो उस दिन जो आए थे वहाँ सिंह। और अधीक्षक कौन है यहाँ? अधीक्षक महेश कुमकर, वो महेश कुमकर लेकर आए थे वहाँ से मतलब कुछ लोगों को, तो हम लोगों से जबरदस्ती लिखवा रहे थे। क्या लिखवाए आप लोगों से? लिखवाए मतलब धीरज प्रजापति से लिखवाए थे कि तुम लिखो कि वो मतलब दारू पी के यहाँ मतलब हल्ला करते हैं, स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, ऐसे लिखवा रहे थे। मतलब दबाव बनाया गया आप लोग के ऊपर? हम लोगों ने मना किया कि ऐसे नहीं है, बोले नहीं इनको सस्पेंड करवाना है यहाँ से, इसको हटा देना, बहुत मतलब गंदा आदमी। जी, और क्या बोले आप लोगों से? और मतलब पहले सफाई हम ही लोग करते थे, अब मतलब जिस दिन। कहाँ की सफाई आप लोग करते थे? मतलब यहीं की हॉस्टल की, झाड़ू वाड़ू और लेटरिन वेटरिन भी हम ही लोग साफ। शौचालय आप लोग साफ कर देते? जी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार शाकिर। समस्या है आपको? यहाँ की समस्या ये थी कि सर वो पानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए भैया जी हम लोगों को बहुत साथ दे रहे थे। और इसमें खाना वाना बहुत गंदा बनता है, मतलब जो गेहूँ से रहता है सड़ा घुना घुना देते हैं सर, और गेहूँ भी बहुत घुना रहता है। कितने दिनों से ऐसे सड़ा खाना आप लोग को मिल रहा है सर? जिस टाइम से मतलब हॉस्टल खुली है उस टाइम से सड़ा गुना मतलब गेहूँ मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए। क्या आप लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा है कि मतलब भैया जी का साथ ना दिया जाए, मतलब चौकीदार का साथ ना दिया जाए, संस्पष्ट किया जाए। कहीं आपने शिकायत की रही क्या सर? कहीं बताया रहे आपने अधिकारियों से? हम लोग अधिकारियों से नहीं बताए हैं, और एक दिन बताने की कोशिश की तो फिर वो भैया जी के लिए मतलब नोटिस जारी कर दिए गया। किस बात की नोटिस? कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए इनको। मतलब जो इनके ऊपर जो नोटिस जारी की गई वो गलत है? जी सर। कैसे गलत है?
भैया जी हम लोगों का साथ देते हैं, और जब हम लोगों को साथ देते हैं तो उसी में उसी की मतलब भैया जी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई है। आपको भी धमकी मिली है? कौन काम कर रहा है यहाँ पे साफ सफाई से लेके? यहाँ पर एक मतलब आते हैं साफ सफाई करने के लिए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार साहब। कहाँ से हैं आप? गाजन से। यहाँ अभी कहाँ रह रहे हैं? हॉस्टल छात्रावास में। रुको, हाँ बोलो। हाँ, जिस दिन से अगर खुली है तो लेटरिन क्वार्टरिंग हम लोग ही साफ करते हैं, और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी हम ही लोग लगाते हैं, और भैया जी के कहने पर मतलब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और हम लोगों के ऊपर भी दबाव बना रहा है अधीक्षक सर। क्या नाम है इनका? महेश कुमकर। कहाँ के रहने वाले जी? ये हरदी, बड़ी हरदी। कुछ लोग कहना है आप लोग दो हफ्ते बाहर रहे यहाँ पर, क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में कहना है कि मतलब हम लोग दो तीन दिनों से मतलब एक दो हफ्ते से घर में हैं और ताला लगा था इसको, अब जो भैया जी के कहने पर हम लोग को अंदर आने दिया जा रहा है। अब क्या परेशानी पड़ रही है आपको? परेशानी ये पड़ रही है कि मतलब भैया जी यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार साह। कहाँ से हैं? गाजन से। यहाँ कहाँ रह रहे हैं अभी? सीनियर अनुजात छात्रावास छिबरा। क्या समस्या है आपको? सर जी यहाँ पिछले 14 महीने से पानी नहीं संस्था में, ट्यूबवेल सूखा हुआ था और बच्चे भी रहते हैं 50%, तो पानी की भयंकर समस्या सर जी। मैं आए दिन अगल बगल से या गांव से पानी से किराए से लेता था, खरीद के लेता था, और समय से उस पानी का भुगतान ना होने के कारण वो गांव वाले मेले को गाली गलौज भी करते थे, क्योंकि मैं पानी खरीद के लेता था, समय से पैसा नहीं पाते थे पानी का, तो मेरे से बहस करते थे। यही तंग आके मैं एक दिन अधीक्षक महोदय जी से बोला कि सर पानी की व्यवस्था करिए, मैं रोज़ रोज़ यहाँ वहाँ किसके यहाँ पानी मांगने जाऊँ, 10 महीने से पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए बच्चों को पानी लगता है, खाने के लिए लगता है, मैं परिवार लेकर रहता हूँ, मुझे भी पानी चाहिए। तो पिछले 14 महीने सर जी पानी नहीं था। यहाँ सामने देखो ताला लगा, किस बात का ताला लगाए आप? ताला ये सर बच्चों से दबाव दे के लिखवा रहे थे। अभी छात्रों ने बताया कि ये लेटरिन ये सब ये ही साफ करते हैं क्या? यहाँ सर जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है, और संस्था में जितने टॉयलेट हैं तो इस्तेमाल होता तो बच्चे स्वयं साफ करते हैं, बच्चे साफ करते हैं या फिर मैं करता हूँ, जबकि ये स्वीपर का काम है सर जी। अच्छा। हाँ, खाद्यान्न लॉकडाउन के पहले का रखा 2.5 साल का, गेहूँ भी सड़ गया है, चावल भी सड़ गया सर जी, वही खाद्यान्न मैं बच्चों को बना के खिलाता हूँ। कितने वो जानवर खाएं तो मर जाए सर जी, वही बच्चे को खिलाता हूँ खाना। कितने हफ्ते खिला रहे खाना? सितंबर सर जी 5 महीने से वही खाना चल रहा है सड़ा गुला। लॉकडाउन पहले से? लॉकडाउन पहले से वही गल्ला रखा। कौन दबाव बना रहा है ज्यादा? ये अधीक्षक महोदय सर जी चाहते हैं कि इनका नाम है उनका? महेश प्रजापति। कहाँ से आते हैं? ये हरदी बैकुंठपुर से आते हैं सर जी, यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा। हफ्ते में एक दिन आते हैं जी, रजिस्टर मेंटेन किए, बच्चे के सिग्नेचर लिए, बिल बनाए बच्चों का और चले गए। अच्छा। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार चौकीदार जी। यहाँ ताला क्यों लगा है? ताला सर जी बच्चों से जबरदस्ती लिखवाया जा था, जांच टीम आई थी सतना से मेरे खिलाफ, यहाँ क्या कैसा हुआ, तो बच्चे नहीं बोल रहे थे, तो दबाव बनाया गया कि बच्चों को बाहर करो जब ये नहीं लिखते, तो इसलिए ताला लगाती है जी सर जी। जी सर जी। क्या करवाती हैं? बच्चों से जबरदस्ती मेरे खिलाफ लिखवाते हैं सर जी। जी R9 भारत के लिए होमेंद्र वर्मा की रिपोर्ट सतना से।